गहरे पानी के तेज बहाव में अपने बच्चे को कंधे पर बैठाकर सुरक्षित जगह की तरफ जा रहा इस शख्स की तस्वीर फकरपुर ब्लॉक के सांगवा गांव की है। वहीं दूसरी तरफ दो युवक बाढ़ के पानी में गैस सिलेंडर ले जाते नजर आ रहे हैं। ये हालात यूपी के बहराइच जिले के हैं, जहां बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। जिले की 4 तहसीलों के लगभग 200 गांव बाढ़ के चपेट में आ चुके हैं। जिले में सरयू और घाघरा नदी में आई बाढ़ से हर तरफ हाहाकार मच गया है। बाढ़ पीड़ितों की परेशानियां अब और बढ़ती नजर आ रही हैं। कहीं पशुओं के लिए चारा तो कहीं किसी ग्रामीण के पास खाने को कुछ नहीं। लोगों के घरों में पानी भर जाने की वजह से लोगों का घरों में रहना दुश्वार हो गया है। अब हर कोई आसमान की तरफ नजर लगाए बैठा है कि अब ये बारिश रुके और बाढ़ से राहत मिले। वहीं दूसरी तरफ जिले की कैसरगंज तहसील के बाढ़ क्षेत्र नंदवल की बाढ़ चौकी पर बाढ़ पीड़ितों के लिए खंड विकास अधिकारी फकरपुर ने 5,000 लंच पैकेट तैयार कराया और उसे बाढ़ पीड़ितों को पहुँचाया। फकरपुर से फैजान की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। ये नंदवल के ओमकारनाथ इंटर कॉलेज में जो भोजन बनाया जा रहा है, ये कैसा भोजन है, क्या बनाना चाहिए? ये बाढ़ पीड़ितों के लिए है और डीडीओ साहब के आदेश के अनुसार बन रहा है। ये बाढ़ में जो बाढ़ में फंसे हैं उन लोग के लिए भोजन भेजना अति आवश्यक है। कितने पैकेट लमसम? लमसम ये 5,000 पैकेट बन रहे हैं। कितने गाँव प्रभावित है यहाँ पे? यहाँ से तो कम से कम 4-5 गाँव तो बिल्कुल अपने क्षेत्र से जो जुड़े हैं। कौन कौन? ये आंशिक मझारा तो लिए है, नंदवल का है और आंशिक नंदवल, निकोलिया, अलीपुर, दरौना। क्या स्थिति है बाढ़ की यहाँ? बाढ़ की स्थिति बहुत भयंकर है, इसमें कि मतलब ये सन जो 83 या 84 में बाढ़ आया था उसके बराबर में है ये बाढ़ है। इतनी भयानक बाढ़ कभी नहीं आई, 83 में आई थी। और क्या मांग करना चाहते हैं शासन प्रशासन? शासन प्रशासन से हम लोग की मांग यही है कि नाव और व्यवस्था और मतलब जो पानी वगैरह जो मिलता है, बाढ़ क्योंकि ऊपर से भी बारिश हो रही है और बाढ़ में भी लोग बेघर हो रहे हैं, तो उनको कुछ छाया चाहिए कि नहीं, दवाओं की व्यवस्था चाहिए। कोई डॉक्टर्स की टीम आई थी मेडिसिन लेके या नहीं? आज तो कोई नहीं आई है, कल शायद आई थी। ठीक है, धन्यवाद।